हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीज फूड। तो आज फिर एक बार मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोदक की रेसिपी, मावा मोदक। ये मोदक खाने के बाद आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये होममेड मोदक है, जैसे आप बाहर से मिठाई वालों की दुकान से लाते हो उसी तरह का टेस्ट होगा इसका। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कड़े में हम लेंगे थोड़ा सा पानी, करीबन 3-4 चम्मच पानी लेंगे, ताकि दूध जो है वो तले में ना लगे। दूध ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और बस अब इसमें उबाल आने का वेट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 नींबू का जूस लिया है। जितना आप नींबू का जूस ले रहे हो उतना ही आपको इसमें पानी भी ऐड करना है। दूध में उबाल आ चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नींबू का जूस। नींबू का जूस हमें इसमें थोड़ा थोड़ा कर 3 पार्ट में ऐड करना है। नींबू का रस ऐड करने के बाद इसे करीबन 30 सेकेंड तक हम इसे स्टर कर देंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से ये थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड करते जाएंगे और स्टर करते जाएंगे दूध को। लेमन जूस पूरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब जब तक ये दूध अच्छे से फट नहीं जाता तब तक हमें इसी तरह से इसे चलाते रहना है। दूध अच्छे से फट चुका है, यहाँ पर मैंने एक साफ सुथरा सा कपड़ा ले लिया है, नीचे बर्तन भी रखा है, तो इसमें जो है हम ये पूरा दूध ऐड कर देंगे। अब ये पूरा पानी हम निकाल लेंगे इस तरह से, और जो भी पानी बचा है इसे हम फेंक देंगे। इसमें फिर से अच्छे से जो नॉर्मल पानी होता है वो नॉर्मल पानी ऐड करके हम इसे अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसमें जो भी खटास होगा नींबू के रस का वो निकल जाए। अब इसमें से हमें पूरी तरह से जो है पानी को निचोड़ लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरह की एक परात ले ली है, आप कोई भी डिश ले सकते हो। इसमें ये पूरा जो छेना रेडी हो चुका है वो निकाल लूँगी। तो इस तरह से हमें इसे थोड़ा सा क्रश कर लेना है हाथों से। हाथ के इस वाले पार्ट से हमें ये जो छेना है वो अच्छे से स्मैश कर लेना है। आप चाहो तो ये पूरा चिकना होने तक इसे इसी तरह से स्मैश कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो इसलिए मैं करीबन इसे 1 मिनट तक ही इस तरह से स्मैश करूँगी, और इसके बाद मैं इसे मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। इसे ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, करीबन 5-6 सेकेंड के लिए ही ग्राइंड करना है। यह अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, इसे मैं निकाल लूँगी। इसमें ऐड करूँगी पीसी हुई चीनी। ये रेगुलर चीनी को ही मैंने पाउडर कर लिया है ग्राइंडर में, ये 2 चम्मच ऐड किया है मैंने। इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा जो है हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क पाउडर, 3 चम्मच मिल्क पाउडर अभी ऐड करूँगी, और 2 चम्मच थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी, क्योंकि हमें इसे थोड़ा थोड़ा कर ही ऐड करना होता है। इसे थोड़ा इस तरह से मिला लूँगी। अब फिर से मैं 2 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दूँगी। मिल्क पाउडर से जो है इसमें अच्छा सा बाइंडिंग आता है, बस इसीलिए मैंने इसे यूज़ किया है इसमें। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो इसे ज़रूर यूज़ करना आप। ये इस तरह से मैंने डो जैसा रेडी कर लिया है। इसमें फिर से मैं 2 चम्मच ऐड करूँगी पाउडर शुगर। यहाँ पर मैंने ये 2 चम्मच मिल्क लिया है, इसमें ऐड करूँगी येलो फूड कलर। आपके पास केसर होगा तो आप इसमें केसर भी ऐड कर सकते हो। ये बस एक अच्छा सा कलर आने के लिए मैंने ये किया है। तो इसमें मैं एक एक कर 3 चम्मच टोटल ऐड करूँगी। हमें एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कर ही ऐड करना है। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। फिर से 1 चम्मच ऐड किया है मैंने इसमें। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में ये जो भी हमने मिक्स किया है मावा वो इसमें ऐड कर दूंगी। गैस को लो फ्लेम पर रखना है और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। चलाते हुए आप देख सकते हो कि ये मावा जो है पहले पूरा पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये फिर से ठीक होने लगेगा। तो ये मावा अच्छे से मेल्ट हो चुका है अभी। इसे हमें बीच में बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वरना ये जो है मावा जल जाएगा नीचे से। तो इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी इलायची पाउडर करीबन 2 चुटकी। तो अब आप ये देख सकते हो कि मावा ने जो है कढ़ाई छोड़ दी है, यानी कि ये अच्छे से रेडी हो चुका है। चेक करने के लिए आप चाहो तो इसे थोड़ा सा हाथ में लेकर उसका गोला बनाकर देख सकते हो। अगर बनता है इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। तो ये मावा मैंने इसमें निकाल लिया है। तो अब हम इसके मोदक बना लेंगे।
तो इस तरह का मैंने ये मोदक का मोल्ड ले लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल होगा आप वो ले लेना। इस तरह से हमें थोड़ा इसे तेल या घी से ग्रीस कर लेना है। अब हम ये मावा जो है इसमें अच्छे से भर देंगे, और आपको एक्स्ट्रा भी भरना है, मतलब ज़्यादा ही भरना है, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा होगा वो हम जब इसे प्रेस करेंगे तब वो पूरा निकल जाएगा। अगर आप इसमें कम मावा डालोगे तो ये जो है अच्छे से मोदक बनेगा नहीं, तो इसलिए एक्स्ट्रा ही डालना है। तो अब इस तरह से तो जो भी ये एक्स्ट्रा वाला मावा है वो निकल चुका है, तो इसे हम हटा देंगे इस तरह से। और ये पीछे वाली साइड भी हमें इस तरह से फ्लैट कर देनी है पूरी। इसे डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये मोदक बनकर रेडी हो चुका है। हल्के हाथों से ये दूसरे साइड से भी हम इसे निकाल लेंगे। अगर किसी भी स्टेज पर आपको ये लगता है कि मोदक जो है थोड़ा सा टूट रहा है कहीं से, या फिर कहीं से क्रैक हो रहा है, तो आपको इस तरह से हल्के हाथों से ये जो मावा है इसे अच्छे से मलना है, तो आपके मोदक बिल्कुल भी क्रैक नहीं होंगे और ना ही टूटेंगे। बिल्कुल जैसे पहले मोदक बनाया था उसी तरह से हम ये बाकी के बचे हुए मोदक भी बना लेंगे लेंगे तो ये हमारे सारे के सारे मावा मोदक बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप भी अपने घर पर इस तरह से मावा मोदक ज़रूर बनाना, और कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।